वाह, फोर्थ गियर में ही 100 चली गई यार। भाई ये हिमालयन नहीं है ये एक दूसरी बाइक है मेरे भाई। हनली ब्लैक, वही रॉयल एनफील्ड 450। Hey, what's up guys? साल पहले एक बाबा हुआ करते थे, राहुल बाबा, उनके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते थे, तो उनसे ही इंस्पिरेशन लेके मैंने इतने टाइम बाद आ रहा हूँ ना, ट्रेंडिंग में हो तो वी विल ट्राई दिस। स्टैंड ही देखो बाबा, ये अपने डोमिनार जैसा स्टैंड है और थोड़ा बड़ा है, ट्रैम की तरह किया है। चलो डबल स्टैंड से निकालते हैं। वाव, वेरी इजी। अरे वाह, टर्निंग रेडियस तो बहुत अच्छा है यार। ओके, माय गॉड, दिस डजन, इट्स नॉट अ हिमालयन एक्चुअली, थोड़ी अलग लग रही है। सो दिस इज अ टेस्ट राइड विद अ पिलियन। मैं पहली बार इस गाड़ी को चला चुका हूँ जब ये लॉन्च भी नहीं हुई थी। मेरे एक बहुत अच्छे रिव्यूअर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये गाड़ी दिलवाई थी। वो ब्लैक कलर और येलो वाली थी ना, टॉप मॉडल शायद कुछ बोलते हैं उसको। ये इनका बेस मॉडल है। फर्स्ट थिंग आई कैन नोटिस, द बाइक का टैंक इज वे बिग। वाओ, एंड साउंड इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट यार। बाबा राहुल का ओपिनियन है, ये कोई रिव्यू वगैरह नहीं है, तो उसके लिए मुझे वैसे जज मत करना। बापरे, ये थोड़ी KTM टाइप फील हो रही है यार। ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं, तो पिलियन के हिसाब से मैं एक्चुअली चेक कर रहा हूँ ये। सो फार स्पीड ब्रेकर्स आर नॉट अ बिग इशू। एक जो चीज़ मैंने इंस्टेंटली नोटिस की है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर हिमालयन पुरानी वाली से, इसके सस्पेंशंस आर वर्किंग द वे आई वॉन्ट टू। आई ऑलवेज वॉन्टेड कि हिमालयन के अंदर अपसाइड डाउन सस्पेंशन आए, और वो मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। पहले वाला हिमालयन था ना, उसमें ना आप थोड़े ऐसे बैठते थे, इसमें ना आप थोड़े ऐसे बैठते हो। यू आर ऑन टॉप ऑफ द बाइक, यू आर नॉट इन टू द बाइक, तो दैट इज़ अ गुड फीलिंग। क्योंकि जब आप हैंडल बार राइजर डालोगे, राइडिंग अर्गोनॉमिक्स है ना, वो मिल जाता है। अभी जैसे मैं 5'8" का हूँ, आई एम जस्ट एन एवरेज इंडियन, तो हैंडल बार राइजर की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, इतना परफेक्ट है गाड़ी है। वन थिंग आई विल डू इज हैंडल बार एक हैंड गार्ड्स की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ये पूरा एक्सपोज है सिस्टम। एंड दिस वाइजर इज़ वेरी स्मॉल, तो 100-120 के बाद में तो प्रॉब्लम होगा, 80-90 भी बहुत ज़्यादा हो गया। आई कैन कॉल दिस एज अ रॉयल एनफील्ड एडवेंचर 450, दैट विल बी मच बेटर। आपको जैसे पता है कि मेरी जो वीडियोज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन एंड ऑनेस्ट होती है, तो क्योंकि कोई ब्रांड तो अपने पास स्पॉन्सर है नहीं, सो आई जस्ट गिव वॉट आई फील। लेट्स पुल दिस बाइक, बच्चे हैं वहाँ पे, चलो पुल करते हैं। ओके, अरे वाह, फोर्थ गियर में ही 100 चली गई यार। भाई ये हिमालयन नहीं है ये एक दूसरी बाइक है मेरे भाई। स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा जोर से उड़ा के देखता हूँ मैं, मतलब कि पिलियन को भी तकलीफ ना हो। अरे वाह, गाड़ी निकल गई, ज़्यादा जर्क नहीं आया। वेल, जिन लोगों को पता नहीं है, मेरा रिस्ट जो है यहाँ पे लिगामेंट टेयर हुआ है, तो आपके भाई का थोड़ा सा रिस्ट का काम निकला है। लिटिल बिट केयरफुल विद दिस नाउ जी, दिस स्मॉल स्पीड ब्रेकर ना, ये तो समझ में भी नहीं आएंगे, मतलब आते समझ में ऐसा नहीं है, बट जो जर्क होती है ना, जो हमको अपने बाइक्स में मिल जाती है, वो नहीं मिलता। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, क्योंकि आपका 21 इंच का व्हील है। एक ही चीज़ होती है कि थोड़ा सा ना अनबैलेंस चलती है गाड़ी, घाट्स वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी मुझे जो इनिशियल फील था, वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चेंज है। रीज़न बीइंग बिकॉज, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं टॉप ऑफ द बाइक में बैठा हूँ, आई एम नॉट इन टू द बाइक। पुरानी हिमालयन में आप अंदर बैठते हो, ऐसे टाइप की फीलिंग होती है। फ्रंट लुक से तो गाड़ी मुझे बहुत मस्त लगती है, बहुत पर्पस बिल्ड एक्चुअली बनाया है। आई हैव टू से रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ऐसा उसको पुराना हिमालयन के लुक्स में भी इसको रखा हुआ है। आई कैन सी अ रेडिएटर, ओ हो, तो लिक्विड कूल कर दिया है इस गाड़ी को। स्पोक व्हील की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बहुत लोग का मैंने देखा है यार, इसमें ट्यूबलेस स्पोक व्हील आने वाला है, उसके लिए ज़रा सोच रहे थे। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ, रॉयल एनफील्ड इस साल तो देने वाला नहीं है, 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, 25 में शायद आपको मिलने लगे, बट तभी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगी, क्योंकि स्पोक व्हील्स जो ट्यूबलेस के आते हैं, अगर मैं आपको बड़े बड़े बाइक्स में बताऊँ तो वही 30-40 हज़ार का सेट आता है। आपको टायर्स जो है यहाँ पे C8 मिलते हैं। अगर मैं मार्केट में होता और इस गाड़ी को खरीदने वाला होता, द फर्स्ट थिंग आई वुड have done is change these tires,
मिशेलिन का आने की एडवेंचर आता है या पिरिलिन स्कॉर्पियन रैली। सस्ते में अगर आपको जाना है तो पीछे रैलको स्पीड ब्लास्टर, आगे भी वही आप डाल सकते हो। दैट इज़ अ गुड टायर्स। अपार्ट फ्रॉम सीएट आई विल सजेस्ट यू एनी अदर ब्रांड्स विच आर गुड इन नेचर, जिनके टायर्स में क्वालिटी अच्छी होती है। टेल लाइट यहाँ पे अपने को मिलता नहीं है, सो दिस इज समथिंग यूनिक। लेट मी सी। हो तो इंडिकेटर में ही टेल लाइट है एंड इंडिकेटर दिया जाए। अरे वाह, तो दिस फीचर आई एम थिंकिंग कि बहुत सारे बाइक्स लगता है निकालने वाले हैं यार। एंड मैं पूरी तरह से इसको बाउंस करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे ये सब करना मत करता ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। चीज़ मैंने नोटिस की है वो है कि इसके अंदर ना बहुत स्पेस है मूव होने का। मतलब पहले अपन लगता था ना टाकी को ग्रिप कैसे करेंगे, पर यहाँ पे टाकी को अगर ग्रिप नहीं कर सकते हो सीट को भी ग्रिप कर सकते हो एंड आगे भी। अभी चलो गियर चेंज करते हैं, यहाँ से ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो यार बहुत अच्छा है यार, फ्रंट ब्रेक्स भी अच्छा है इसका, वेरी नाइस। सो हो तब इसको अपन टर्न मारते हैं। बहुत इजी टू मनूवर बाइक है यार ये, मतलब आई थॉट उतना डिफिकल्ट नहीं है बाइक। सेकंड गियर पे रखा है अभी गाड़ी, ओके अभी थर्ड गियर, ओके चलो स्पीड ब्रेकर उड़ाते हैं। वाओ वेरी नाइस। सो लेट मी सी द टर्निंग रेडियस हाउ इट इज़। अगर मैं एक छोटी टर्न मारता हूँ तो, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइसली मेड। वाओ चलो लेट्स ट्राई टू टर्न हियर। ओ सो आई कैन हियर द फैन, अरे वाह, तो फैन भी है। इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग बाइक एंड इफ यू कैन सी ये थोड़ी ना ट्रायम्फ टाइगर वाली फील देती है। मतलब सामने के आप टैंक वगैरह देखोगे ना, मुझे तो बहुत पसंद आई। द हैंडलिंग, द मनूवरबिलिटी, इट्स वेरी नाइस। 100 की स्पीड पहली बार मैंने किसी रॉयल एनफील्ड 400 cc की इसमें देखी है जो फटाफट पूछ लेती है। चौथे गियर में हमने 104 की स्पीड मारी थी इस पर। इफ़ यू आर लुकिंग टू बाई दिस बाइक टूडे, एंड मैं खासकर रिकमेंड करूँगा जितने भी पुराने हिमालयन ओनर्स हैं, जितने भी, मस्ट ट्राई दिस बाइक। द रेस्ट ऑफ द गाइज, द पीपल हु हैव नेवर बॉट अ 400 cc बाइक, सिर्फ 200 cc से भी आए हो, दिस इज़ अ डिफरेंट एनिमल। ऑल आई कैन से, इतनी तारीफ मैंने कभी रॉयल एनफील्ड की कभी नहीं की थी, लेकिन जो है वो है। एंड इट्स एन इंडियन ब्रांड, प्लस अगर कोई बाइक ब्रांड इतनी ज़्यादा अपग्रेड्स अपनी बाइक में करें। देखो सब गाइज तो एक्चुअली हिमालयन 450 काफ़ी अभी फेम में चल रही है। वो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे 3 lakh to 3 lakh 40 hazaar में ये बाइक आपको पड़ेगी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है ये, तो क्योंकि मैं काफ़ी इसको टेस्ट कर रहा था अच्छी तरह से। देखो अभी मैं 3 speed breaker उड़ा के निकला और मुझे पता भी नहीं चला। चलो यहाँ से थोड़ा एक नॉर्मल भी निकला तो भी पता नहीं चल रहा यार। इट्स अ वेरी गुड बाइक। फीचर्स वगैरह ये सब मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। वॉट मैटर्स मी द मोस्ट इज़ द एक्चुअल सी हाउ इजीली आई एम एबल टू मनूवर दिस बाइक। मे बी बिकॉज इसमें पेट्रोल कम है ऑलमोस्ट, मतलब भरने लायक है, इसलिए भी ये शायद मुझे थोड़ी हल्की फील हो रही है। बट गाड़ी जब आप स्टैंड से निकालोगे थोड़ी सी वेट है इसको। ये छोटा सा डिस्प्ले मुझे पहले लगता था कि यार इतना सा डिस्प्ले में क्या होगा, बट नाउ व्हेन आई एम सीइंग दिस आई एम एक्चुअली लाइकिंग द डिस्प्ले। इट्स वेरी कन्वीनियंट। माइलेज वाइज आई एम थिंकिंग दिस बाइक इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू मोर देन 20 से लेके 25 या 26 भी, दैट इज इफ़ यू आर लकी। अदरवाइज 24, 20 to 24, 25 इज़ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। जितना मैंने सुना है इसको 17 liter का टैंक है, तो आपको 400 km का रेंज मिल रहा है। लद्दाख वगैरह जैसे लोग अगर वंस इन अ वाइल लद्दाख की राइड भी कर रहे हैं तो यार ये गाड़ी बहुत अच्छी है उसके मामले में। आपको लेह लद्दाख राइड वगैरह में काफ़ी काम आएगा। ऊपर तो वैसे भी आपको पता है बहुत कम जगह पेट्रोल पम्प्स होता है, उस चीज़ में ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। एज यू कैन सी मैं 4th gear पे हूँ, अब मैं 3rd gear पे आया हूँ। नॉकिंग इज़ ऑल्सो वेरी लेस। गाइस पुराने हिमालयन ओनर्स जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आपको पता है कि भाई अपनी गाड़ी में नॉकिंग कितना है। BS3 हिमालयन के प्रॉब्लम्स तो आपको पता ही है। लाइफ स्टीलर रजिंग के मेरे बहुत अच्छे भाई है, मेरे घर के ही मेम्बर है, उनकी गाड़ी थी हिमालयन एंड कितना हमने 3 या 4 महीने में हमने गाड़ी बेच दी थी, इतने प्रॉब्लम्स है उस गाड़ी के अंदर। बट वो सिनेरियो से BS4 में जो चेंजेस करके गाड़ी अच्छी बनाई, एंड आज जाके रॉयल एनफील्ड एक ऐसी बाइक दे रहा है आपको जो आई थिंक सो
दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स फ्रॉम रॉयल एनफील्ड टेबल. ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग इज दे शुड नॉट इंक्रीज द प्राइस वेरी हाई, बिकॉज ये अगर हमारे लोग अफोर्ड कर पाए एंड इस गाड़ी को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे देखें तो बहुत सारे जो ट्रू राइडर्स होते हैं ना वो इस बाइक को ख़रीद पाएंगे. सीट तो मुझे यार बहुत पसंद आई, वेरी कम्फर्टेबल. ऐसे भी हिमालयन की सीट जो होती है बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है, बहुत अच्छा है. जो रैक है पुराने वाले टॉप रैक की तरह ही है मेरे ख्याल से, वही है लगता है. बट जितना मुझे पता है चेंज पॉकेट जो है ये नया सिस्टम है, ये पुरानी हिमालयन वाला नहीं है. एंड एज़ फार एज़ आई नो रॉयल एनफील्ड्स इनकी चेन जो है 18,000-20,000, इवन नितिन भाई की तो मैंने देखी 25,000 तक चल गई. यहाँ पे आप फुटपैक देखोगे तो ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा है. तो बहुत ही अर्गोनॉमिकली ये लोग ने बहुत सोच समझ के बनाया है. ग्रिप्स अगेन आप निकाल सकते हो पे अगर आप देखो. ये पता नहीं किस चीज़ के लिए, आई थिंक सो डिस्प्ले के नेविगेशन के लिए. ये इंडिकेटर्स वगैरह, हाई बीम, पासिंग इंडिकेटर्स, कलर कॉम्बिनेशन, इवन ब्रेक कैलिपर्स मैं देख रहा हूँ तो ये बाई ब्रेकें हैं. साइलेंसर की क्वालिटी देखो यार, वाह एक नंबर. ऐसे साइलेंसर चाहिए भाई, एक ही नंबर. ये आपको शायद थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि या तो एक अर्गोनॉमिक वाइजर चाहिए जो सीधा पे टोपी वाले हेलमेट हो ना, जैसे मेरा आरआई का है. इसको डुअल स्पोर्ट भी बोलते हैं बट मैं इसको टोपी वाला बोलता हूँ ताकि लोगों को ईजिली समझे. ऐसे हेलमेट्स ऐसी बाइक के ऊपर ज़रूरी है. सो हैनली ब्लैक, वही रॉयल एनफील्ड 450 इन ब्लैक एंड गोल्डन कलर. ओहो अमेजिंग.